नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। जो लड़कियां हैं वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि हम ये लड़कों की बात करने जा रहे हैं। लड़कों की बात कुछ ऐसी कि उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं तो कई दिक्कतें हो जाती हैं। किसी भी पुरुष की पौरुष शक्ति उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, इसलिए जरूरी है कि शरीर की किसी भी प्रकार की समस्या का उपचार समय पर करने के लिए उचित उपाय अपनाना जरूरी है। स्पर्म यानी कि वीर्य, ये प्रजनन के लिए बेहद आवश्यक कंपोनेंट होता है, लेकिन उल्टा सीधा खानपान, लेट नाइट तक जागना, मोबाइल के अंदर घुसे रहना, धूम्रपान, शराब, ये सारी चीजें आपके पौरुष को, आपके स्पर्म काउंट को, आपके वीर्य के गाढ़ेपन को ये कमजोर करता जा रहा है। लिहाजा आजकल बड़ी संख्या में युवाओं को स्पर्म काउंट कम होने की समस्या है। कई बार तो बच्चे ना पैदा होने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी प्राकृतिक चीज है जो बहुत ही ज्यादा रेयरली ऐसा होता है कि ठीक नहीं होती। ये ज्यादातर 99% तक ठीक हो जाती है अगर आप अपने खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी अगर आप एक साल तक अपनी दिनचर्या खराब कर ले तो ये खराब हो जाती है, एक साल बाद अपनी दिनचर्या को ठीक कर ले तो ये ठीक हो जाती है। तो ये ऐसी बीमारी नहीं कहेंगे, ये ऐसी एक दिक्कत है। देश के मशहूर आयुर्वेद आचार्यों का ये मानना है कि आपका स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, इसका संबंध आपके खाने पीने पर निर्भर करता है। आप जो खाते हैं उसी से शरीर की सारी गतिविधियां निर्धारित होती हैं, ये सभी जानते हैं। खासतौर से फैमिली प्लान करने वालों को शारीरिक रूप से खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। फर्टिलिटी डाइट महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बहुत मायने रखती है। लिहाजा कुछ ऐसे खाने हैं, कुछ ऐसी डाइट हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो स्पर्म काउंट बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को बेहतर करते हैं। इस वीडियो में आपको हम 5 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। लेकिन इस फूड्स के सहारे ना रहें, थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करें, उसे हेल्दी बनाएं। इसमें नंबर 1 है अनार का जूस। जी हाँ, आयुर्वेदाचार्य मानते हैं कि अनार के जूस में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सुधार करता है। इससे पुरुषों की यौन इच्छा बढ़ती है और स्पर्म विकास बेहतर तरीके से होता है। जी हाँ, अगर किसी को सेक्स करने के लिए उत्तेजना नहीं होती है तब भी अनार का जूस उसको काफी फायदा करता है। आप 6-7 महीने तक अनार का जूस 1 कप या फिर 1 गिलास रोजाना पीना शुरू कीजिए, फिर देखिए कमाल। नंबर 2, कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों को स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी उपचार के रूप में देखा जाता है। कद्दू के बीज में बहुत सारा जिंक पाया जाता है। जिंक पुरुषों में फर्टिलिटी बढ़ाने में बहुत जरूरी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स में से एक है। ये टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है, यानी कद्दू का बीज बहुत काम का है। 3 नंबर पर आता है सैल्मन और सार्डिन फिश। कुछ मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, खासतौर से सैल्मन, मैकरल, टूना, हेरिंग और सार्डिन फिश में पाए जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड स्पर्म क्वालिटी और काउंट सुधारने में मदद करता है। यही वजह है कि जिन पुरुषों को यौन संबंधी समस्याएं होती हैं उन्हें ये फिश खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 नंबर पर आता है संतरे का सेवन। जी हाँ, विटामिन सी तो आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है। जी हाँ, संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है और ये स्टडीज में साबित हो चुका है कि विटामिन सी स्पर्म मोटिलिटी, काउंट और इसकी बनावट में सुधार करता है। विटामिन सी वाले अन्य फूड जैसे कि टमाटर, ब्रोकली और बंद गोभी को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। इफ यू आर मेकिंग प्लान फॉर ए फैमिली या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि डार्क चॉकलेट में आर्जिनिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है, ये स्पर्म काउंट और उसकी क्वालिटी दोनों सुधारने में बहुत मदद करता है। तो आप डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इन 5 डाइट्स को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये डाइट शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। आप चाहें तो 5 फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले किसी अच्छे डाइटिशियन से भी बात करें, ताकि वो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी डिसाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमेशा खुश रहें और क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। नमस्कार।